बॉस को दिखा। जी, कितने दिनों से ये बादल ऐसे के ऐसे ही हैं, पानी बरस ही नहीं रहा, ना ही ये बादल अपनी जगह से हिल रहे हैं, और गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है। दादाजी, समझ नहीं आ रहा क्या करें, इस तरह तो सारी फसलें खराब हो जाएंगी और अकाल पड़ जाएगा। अच्छा दादाजी, मैं चलता हूँ। वीर, मैंने चेक किया है, ये बादल किसी ने साइंटिफिक फॉर्मूला को इस्तेमाल करके जमा दिए है। मैं तुम्हें एक सिलेंडर दूंगा, उसके अंदर की दवा के पाउडर को तुम्हें ऊपर जाके वो बादलों पर डालना होगा, उसके डालते ही बादल नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन बादलों को इस तरह कौन जमा सकता है और क्यों जमाएगा? ये तो पता नहीं, शायद कोई बरसात रोक के अकाल पैदा करना चाहता होगा। दादाजी, आप मुझे वो पाउडर सिलेंडर दीजिए, इसे मैं जाकर बादलों पे स्प्रे कर देता हूँ। मैं भी चलूंगी, मैं बादलों में कभी नहीं गई। मैं भी चलूंगा। ढेर सारी गाजर भी ले चलते हैं, वहाँ बैठ के आराम से खाएंगे। दादाजी, दादाजी के घर में स्पेसशिप, ये कहाँ जा रहे? मैं चुपचाप चलकर सब देखता हूँ। ओके वीर। ओ हाँ, एक बात बताना भूल गया, ये सिलेंडर धरती पे नहीं गिरना चाहिए, वरना इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि पूरा फुर्सतगंज खत्म हो जाएगा। ओके दादाजी, मैं ख्याल रखूंगा कि ये सिलेंडर धरती पे ना गिरे। बाय दादाजी। बादल तो एकदम बर्फ की तरह जमे हुए हैं। अच्छा, तुम दोनों पिकनिक करो, मैं बादलों के दूसरे एंड से हर तरफ ये केमिकल बिखराता हुआ आऊंगा। रोबो बॉय सूट ऑन। तो वीर ही है रोबो बॉय, मुझे तो पहले ही से शक था।